संक्षिप्त शिव पुराण वायवीय संहिता माते की तपस्या एक व्याघ्र पर उनकी कृपा ब्रह्मा जी का उनके पास आना देवी के साथ उनका वार्तालाप देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण मृत कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। वायुदेव कहते हैं महिष्यो तदंतर पतिव्रता माता पार्थिव पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोक करके हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदंतर माता पिता के घर जाकर के उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बता करके उनकी आज्ञा ले करके उन्हें सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाके स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणार विंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग से उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य निधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती रहती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे ऐसा दृढ़ विश्वास रख करके वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। मैं दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन्य जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। ये सोच करके वे उस पर कृपा करने लगी। उनकी कृपा से उनके तीनों प्रकार के मल तत् काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई, साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वर की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रता होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। वह सब सुनकर के ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ ही बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वह संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा से जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के साथ रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर के स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी
अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगी। ब्रह्मा जी बोले, देवी इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ के सब इष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं। तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोगों के स्वामी हैं उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पा करके आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। अथवा ये सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं। देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ और आप मेरे पति के रूप पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि मैं स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं तब आप मेरे साक्षात प्रीतम लगते हैं। लो पिता, में इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी। अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो ये कालापन है इसे सात्विक विधि से त्याग करके मैं गौरवर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी इतने ही प्रयोजनों के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र पर्याप्त नहीं थी? अथवा ये आपकी एक लीला ही है? जगन माता, आपकी लीला भी लोक हित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उस दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्थी सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतार करके गौरवर्णा हो गई। त्वचा कोश काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कोश की हुआ। मैं काले मेघ के समान कांति वाली कृष्णा वर्णा कन्या होगी। देवी की वह मायामय शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके आठ बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के तीन रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। मैं तीन नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था और उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी पर वास दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्यक शक्तियों को साथ लेकर के दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर के विंध्य पर्वत को चली गई। उसने सम्रांगण में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत
कथा यहाँ नहीं कही गई है, दूसरे स्थानों से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। अध्याय 25 पूर्ण। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बता करके रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी का महत्व बता करके अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिल करके मंदराचल को जाना। वायु देवता कहते हैं, कोशकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पिता में से कहा, देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। ये मुझ में अपना मन लगा करके अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं। ये मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरता पूर्ण करतूते बताते हुए उनकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमय कृपा? आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? ये केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौएं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। ये उन सबको इच्छा अनुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसा दुष्टों पर आपको कृपा करने की कोई आवश्यकता है? क्या कोई आवश्यकता है आपको कृपा करने की? क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीवों से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, ये ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपके इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चित का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी आप यजन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं, सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ये संख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों को प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवीश्री आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और स्थावरत्व का तत्काल व्यत्यास फिर बदल भी हो जाता है।
अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की हुई है। आप इस जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाए हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती है। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अतः ये पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण करा करके ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की तब गौरी देव तपस्या से निवृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को ना सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा, वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित होकर के वे आंसू बरसा रहे हैं। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार के दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली होकर के उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करते हुए देह की दिव्य प्रवाह से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करते हुए गौरी देवी मंत्राचल को चली थी, जहां संपूर्ण जगत के आधार श्रेष्ठा पालक और संहारक पति देव महेश्वर विराजमान थे। अध्याय 26 पौर्ण। संक्षिप्त शिव पुराण वायवीय संहिता। मंत्राचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आई हुई व्याघ्र को उनका गण अध्यक्ष बना करके अंतापुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, आपने शीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बना करके गिरी राजकुमारी देवी पार्वती ने जब मंद्राचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देख करके उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया? वायदेवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे, उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित होकर के उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ करके बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर होगी जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था?
यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चिराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूं और तुम सोम के, हम दोनों से ही ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए शिक्षा से शीत धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में ये जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास पूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वैद्यात्मा हैं, फिर हमें वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता, एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर के रहना कभी संभव नहीं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे होगी? अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोक की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में एक ऐसी कोई बात नहीं है जो गद के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पते की कही हुई वह मनोहर बात सुनकर के इसे सत्य जान करके मुस्कुरा कर रह गई, लज्जावश कोई उत्तर दे नहीं सकी। केवल कोशकी के यश का वर्णन छोड़ करके और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कोशकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कोशकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और ना होगी। यूं कह करके देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रांगन में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुना करके उसके बल प्रक्रम का वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती तथा निरंतर लोकों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को ला करके उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देख करके देवी कहने लगी, देव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। ये मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़ करके यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर की द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वासुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंतोत गतवा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर के महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बैंत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्षकोचित वेश धारण किए गण अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्र अर्धभूषण महादेव जी ने
उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषण से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठा करके उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। अध्याय 27 पूर्ण। 28वें अध्याय में अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोध आत्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु पार्थी देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशोम आत्मक एम वागर्थात्मक है, ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियो रुद्रदेव का जो घोर तेजों में शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शीर शांति कारक है जो अमृत है, वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में भी दोनों रस और तेज हैं। तेज की रीति दो प्रकार की, एक सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपनी और दूसरी जल रूपनी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चिराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति हविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही हविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे ये अग्निशोम आत्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होती है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस उधरगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे, तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्म सात हो जाता है। ये अग्नि का तेज है, भस्म को ही अग्नि का तेज कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जान करके अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के तेज रूप भस्म को सोम ने अयोग्य युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और आप्लावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अप्लावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गोहे स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निशोमात्मक जगत को त्याग करके फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोम अमृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अप्लावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नियों शात्मक कहा था। उनका ये कथन सर्था उचित है। अध्याय 28 पौर्ण।